मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार का फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं, इससे लेकर सस्पेंस अब खत्म हो गया है। कमलनाथ सरकार को आज फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए विधानसभा की कार्यवाही को 26 मार्च तक स्थगित कर दिया गया है। वहीं आज फ्लोर टेस्ट न होने से नाराज भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज फ्लोर टेस्ट नहीं होने से नाराज बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बीजेपी ने 48 घंटे में मामले की सुनवाई करने की मांग की है। 26 मार्च तक विधानसभा स्थगित। विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कोरोना वायरस का हवाला देते हुए सदन को 26 मार्च तक स्थगित कर दिया गया। इस पर भाजपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया और कहा कि सरकार फ्लोर टेस्ट से डर रही है। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही देर बाद राज्यपाल लालजी टंडन, जो के एमपी के गवर्नर है, वहां से उठकर बाहर चले गए। उन्होंने कहा, सभी को संविधान के तहत नियमों का पालन करना चाहिए ताकि मध्य प्रदेश की गरिमा संरक्षित रहे। सीएम कमलनाथ ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर फ्लोर टेस्ट रोकने की मांग की। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में फ्लोर टेस्ट कराना अलोकतांत्रिक होगा। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने कांग्रेस के कई विधायकों को कर्नाटक में बंदी बना लिया है। बीजेपी के विधायक दो बसों से विधानसभा पहुंच चुके हैं। एक बस में शिवराज सिंह चौहान और दूसरी बस में नरोत्तम मिश्रा विधायकों के साथ मौजूद हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि हम फ्लोर टेस्ट का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फ्लोर टेस्ट पूरा नहीं हुआ है। कांग्रेस के 16 विधायकों को गायब कर दिया गया है, जिसके बारे में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह को पूरी सूचना दी है। मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार यह कहते आ रहे हैं कि वह फ्लोर टेस्ट को तैयार हैं, लेकिन जब बेंगलोर में बंधक उनके विधायकों को स्वतंत्र नहीं किया जाता, तब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता। इस बात को सोमवार को भी उन्होंने दोहराया है। राज्यपाल द्वारा दिए गए फ्लोर टेस्ट के निर्देशों पर विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति चुप्पी साधे हैं। प्रजापति ने मीडिया से कहा है कि फ्लोर टेस्ट का फैसला सदन ही करेगा। सदन क्या फैसला ले, यह काल्पनिक सवाल है। जब उनसे पूछा गया कि राज्यपाल के निर्देश पर फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं, जवाब में स्पीकर ने इसे भी काल्पनिक सवाल बताकर टाल दिया। रविवार को भाजपा नेता मध्य प्रदेश में छाए में सियासी संकट को लेकर कानूनी संभावनाएं तलाशते रहे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, धर्मेंद्र प्रधान, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सुप्रीम कोर्ट के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से 2 घंटे चर्चा की। उन्होंने मध्य प्रदेश में राज्यपाल के निर्देश के बाद भी फ्लोर टेस्ट न कराए जाने की स्थिति में कानूनी सलाह ली। मध्य प्रदेश के घटनाक्रम से जुड़े भाजपा के सभी प्रमुख नेताओं ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निवास पर महत्वपूर्ण बैठक कर कॉन्स्टिट्यूशनल संकट पर बातचीत कर आगे की रणनीति तैयार की है। भोपाल में भाजपा विधायक दल ने व्हिप भी जारी कर दिया ताकि कोई विधायक फ्लोर टेस्ट में गड़बड़ ना कर सके। कांग्रेस शनिवार को व्हिप जारी कर चुकी है। तो ये थी हमारी रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा फ्लोर टेस्ट का मामला। अगर आपको हमारी रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल बार्स रिपोर्ट को।